और ज़ाहिर है इतने सारे मदरसे चलते हैं तो कई मुखय्यर हजरात ऐसे भी हैं जो मदरसे जिन्होंने बना कर दिए, जिन्होंने अपने वालिदैन के लिए, अपने मरहूमीन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये सिलसिले को मतलब और मजीद बढ़ाते ही जाते हैं उनके लिए भी। और अभी बिलखसूस हमारा एक सिलसिला दारुल मदीना का भी शुरू हुआ है और उसमें भी ज़ाहिर अब ये सिलसिला और भी बढ़ता जा रहा है, तो उन सब के लिए भी दुआ हमें हमारे लिए दुआ कर दें इस्तेकामत की, इखलास की, ईमान की, सलामती की। मदरसतुल मदीना के हमारे अखराजात जो हैं वो करोड़ों में आ चुके हैं, महाना अखराजात। और अभी पिछले दिनों हमने मदरसतुल मदीना के काबीना जिम्मेदारान और जो मजलिस है हमारी उसका मशवरा किया और हमारी मजलिस ने यह नियत की है कि रबीउल नूर शरीफ तक हम अपने मदरसतुल मदीना को खुद कफील करें। अब इसमें मौके का फायदा उठाते हुए मैं मदनी मुल्लों की भी बारगाह में अर्ज करूंगा, कारी साहिबान की और नाजमीन और मुफ्तिशीन जो हमारे सूबे जिम्मेदारान हैं इन सब की बारगाह में अर्ज करूंगा कि सब इसमें हिस्सा लें और बितरहीब तरहीब के साथ, दिल मोहब्बत मोहब्बत के साथ, जबर में एक तरहीब है, दरखास्त है आपके मदरसतुल मदीना और हमें दावस्तानी से प्यार है, हमें मदरसतुल मदीना से प्यार है। जिससे प्यार होता है उसकी तरक्की, उसका फलना फूलना अच्छा लगता है, पसंद आता है। आप चाहते हैं कि देखें मदरसतुल मदीना हमारे 906 हैं मगर अब भी खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बलोचिस्तान, अंदरून बाबुल इस्लाम हम और भी मदरसतुल मदीना खोलना चाहते हैं। मदरसतुल मदीना लिल बनात मदनी मुल्लों की मदरसतुल मदीना हम और भी खोलना चाहते हैं मगर हमारे पास गुंजाइश नहीं है। अखराजात हमारे बहुत हो चुके हैं, हमारे मदरस के पास गुंजाइश नहीं है, वरना हम धड़ाधड़ और मदरसे शुरू करें। देखिए लिटरेसी रेट जो है, शरा खानगी जो है, दुनियावी तालीम का मियार जो है वो पाकिस्तान में खूब बढ़ गया है, बढ़ता चला जा रहा है। तो जो भी काम खिलाफ शरा नहीं, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। बात यह है कि कुरान पाक पढ़ने वालों की शरा किस कदर बढ़ रही है, गौर कीजिए। बच्चे नहीं, बड़ों को कुरान नहीं पढ़ना आता और हमारी ख्वाहिश है कि हमारे मदरसतुल मदीना में शाम के औकात में मदरसतुल मदीना बालिगान की तरकीब भी बने कि बच्चे अगर दिन में पढ़े तो अबू काम से फारिग होकर शाम के इसी में आगे मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़े और अगर पढ़े तो पढ़ाएं। तो हमारे पास अखराजात की बहुत कमी है, हमारे पास मसाइल बहुत हैं। तो जो भी ऐसे अफराद हैं जिनको अल्लाह ने माल दिया है, उनके मदनी मुन्ने पढ़ते भी नहीं भी पढ़ते तो उन्हें होंगे, आते जाते देखते ही होंगे, महल्ले में जाकर मदरसा है 200-250 मदरसे। हम कुराने पाक की तालीमात को आम करना चाहते हैं मगर हम हमारे पास मजबूरी, हमारे पास इतने अखराजात नहीं है। अल्लाह ने आपको दिया है कि किसी एक कारी साहब के मुशारे की आप तरकीब बना दें। एक मदरसे के अंदर 5 कारी साहिबान हैं, आप उनके मुशारों की तरकीब बना दें, एक ही बना दें, जितना आप कर सकते करें। तो अल्लाह ने चाहा तो हम मजीद बलोचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में, कश्मीर में, अंदरून बाबुल इस्लाम हम मजीद मदारिस कायम कर सकेंगे। और जो तावन करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको बरकत अता फरमाए, उनकी दुनिया में, उनकी आखिरत में, उनके जाहिर में, उनके बातिन में बरकतें अता फरमाए, उनकी मोहब्बत में बरकतें अता फरमाए। हम उनके लिए दुआ गो हैं और हम ही नहीं, हमारे पीर साहब भी उनके लिए दुआएं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मदनी चैनल के नाजरीन मतलब अगर मुशाहिदा करें ही कि ज़ाहिर 906 मदरसे और फिर इसमें इतने हजारों की तरबियत और मतलब कैलकुलेशन रखते थे तो रोजाना अगर जो हमारे दर्जाए हिज में ही है वो एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो पारे मंजिल सुनाते हैं तो ये रोजाना मदरसतुल मदीना में हजारों पारे जो है वो तिलावत की जाते हैं। तो ज़ाहिर जहाँ कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, कोई घाटे का सौदा नहीं है। हमारे मदनी चैनल के नाजरीन जो दुनिया भर में हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हैं, आप इस पैगाम पर लब्बैक कहिए और तन मन धन के साथ दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आकर इसमें मतलब हर तरह से तावन करें। आप देख ही रहे, मदनी चैनल भी देख रहे हैं, मदनी अगर आपके मदरसा नहीं है आप हमारी हिम्मत दिलाएं, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपके मोहल्ले में, आपके घर के पास भी मदरसतुल मदीना की शाख खुल जाए, आपके अपने घर के मदनी मुन्ने मदनी मुनिया कुरान और सुन्नत की तरबियत हासिल कर लें, आपके लिए भी सवाब जारी है। जिंदगी तो बेहद मुख्तसर है, बिलाकर दुनिया से जाना ही है, लेकिन जब हम दुनिया से जाएंगे पीछे अगर हमने कोई ऐसा मदरसा छोड़ा होगा जहां कुरान पढ़ा जा रहा होगा, वहां सुन्नतें सीखी सिखाई जाती रही होंगी, हमारे मरने के बाद भी हमें कब्र में
इसका अजर मिल रहा होगा। मैदान क़यामत में भी जब बहुत ही आजमाइशों का सिलसिला होगा, ये नेकी के काम इंशाअल्लाह हमारी शफाअत का जरिया बनेंगे और हमारे जन्नत में दाखिले का सबब भी बन जाएंगे। अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए, दावत इस्लामी के साथ भरपूर तआवुन कीजिए। आपको अक्सर मदनी चैनल पर मुख्तलिफ अकाउंट नंबर भी पेश किए जाते हैं, उन अकाउंट नंबर पर अगर आप चाहें बराह रास्त अपने अतिया जमा कराएं, और अगर मदरसतुल मदीना से रब्ता है वहां के नाज़िम साहब से राबता करके वहां पर भी आप अपने अतिया जमा करा सकते हैं। मुझे मैं अर्ज करना चाहूंगा कि वो दे कुल इख्तियार के साथ माशाल्लाह, ताकि हमें वो आसानी हो, हमारी मालियात के मजलिस आजमाइश में ना आ जाए। सही। अब जब आएंगे वो मदरसतुल मदीना के जरिए से, तो इंशाल्लाह हमारी वो मालियात के मजलिस हमारे वो तरक्याती कामों में हमारी मामलत ज्यादा करेगी माशाल्लाह। उन्होंने सारे कितने सारे शोबाजात, 41 से ज्यादा शोबाजात, तो उसमें वो डबिटिंग होती है बाकायदा, आप माशाल्लाह जानते हैं। तो इसमें यह कि फिर उम्मीद है कि हम अपना मालियात से अपना बजट ज्यादा करवा सकेंगे, कि मदरसतुल मदीना के जरिए इतने एहतियात आते हैं तो हमारा बजट बढ़ाइए ताकि हम मदारिस बढ़ाएं माशाल्लाह, और कुरान पाक की तालीमात का सिलसिला हम मजीद आगे बढ़ा सकें। तो इंशाल्लाह हमारे मदनी चैनल के नागरिक जो दुनिया भर में आपका ये पैगाम सुन रहे, इंशाल्लाह भरपूर तावन करेंगे इंशाल्लाह। मदनी मिलने भी इस पैगाम को कबूल कर ले, यार मदनी मिलने हैं, आप अपने अब्बू से, अपने चचा जान से, ताया जान से, ताया अब्बू से, दादा जान से, इंशाल्लाह तर भी आप इनफरादी कोशिश करें। तरहीब तरहीब मोहब्बत, मोहब्बत कर साथ को जबर मिले, जो दे उसका भी भला, जो जबर दे उसका भला, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जजाकल्लाह, आपने वक्त दिया, मदनी मिलने ने भी आज अच्छी अच्छी नियतें की होंगी, देखिए इसकी हमें क्या कारकर्दगी मिलती है, इंशाल्लाह हम आपको पेश करते ही रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन। बिजाहिल नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे अजम का इजहार भी हमारे निगरान करीब है, इनके साथ मिलकर हम कर लेते हैं कि गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह मुझे हा